अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज भी मैं यहीं पर बॉन में जर्मनी में मौजूद हूँ और अभी आज मैंने बहुत सारी जगहों का आपको विजिट कराना है। ये बड़ी खूबसूरत जगह पर हम जा रहे हैं, ये देखें ये कौन है ये ना टूर गाइड भी बन गए हैं, शेफ भी बन गए हैं आतिफ भाई, बड़े सारे काम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में बहुत से काम करने हैं, बल्कि सब काम करने हैं, हम एक्सक्यूजेज ढूंढते। तो अभी हम एक बड़ी खूबसूरत जगह जा रहे हैं, पहले आप ये देखें ये कितना खूबसूरत है। दर्शकों को बताएं कि आप पता है बैग्स क्यों लगे हुए हैं? ओके, ये बैग्स लगे हुए हैं पूरे, अच्छा कवर्ड है ये पूरा और हर दरख्त के साथ है, इसकी वजह हम जानते हैं। इसकी वजह ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोकल स्पीशीज है ना, लोकल ये लोकल दरख्त है यहाँ के, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब वो जो नीचे पानी था वो कम हो गया है, इसलिए अब इनको इजाफी पानी देना पड़ रहा है। पहले कभी इंसानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये देखें कितना खूबसूरत है, इधर चलते हुए ना एक ठंडक का एहसास हो रहा है। हालांकि इर्द गिर्द बहुत स्काई स्क्रैपर्स यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मगर सामने DHL का ऑफिस है, दरख्त दरमियान में आ गया है। ये हेड ऑफिस है दरअसल DHL का और ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ये देखें, ये यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये अपनी बिजली खुद बनाती है, पानी खुद बनाती है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनयूजुअल हैं। ये पार्क है और पार्क के अंदर ये आप देख रहे हैं बतखें हैं, चिड़िया भी नज़र आ रही हैं बहुत सारी, और यहाँ परिंदों को जानवरों को आपसे खौफ नहीं आता। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, नाइस चिड़िया उड़ रही हैं। ये जनाब हम बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे देखें ये राइन रिवर है। आते भाई राइन रिवर ही है, राइन फॉल्स पे मैं जा चुकी हूँ बहुत साल पहले, लेकिन रिवर और इतना पीसफुल है। अभी यहाँ बैठते हैं और एक और चीज़ करनी है मैंने यहाँ बैठने के बाद। आतिफ भाई से मैंने ट्रिप में कोई पोइट्री नहीं सुनी, तो सुनते हैं आप लोगों के लिए भी उसको रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और मज़ीद करीब आ गए हैं हम, कितना खूबसूरत लग रहा है आप देखें। और यहाँ पर हम बनाएंगे पिक्चर्स, आतिफ भाई के आने का फ़ायदा हो गया एक फोटोग्राफर भी मिल गया। माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, कितना खूबसूरत लग रहा है। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी दरिया हैं आपने देखा होगा फर्क, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ जो दरिया हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। क्या बात है। ये दरिया ये स्विट्जरलैंड से फूटता है, फिर यहाँ से फ्रैंकफर्ट ये फ्रांस जाता है, फ्रांस से जर्मनी और जर्मनी से हॉलैंड के रास्ते नॉर्थ सी में गिरेगा। अच्छा, जो दरिया है ना उसमें पहले इस दरिया की खास बात यह है कि इस दरिया को उन्होंने दबा के गहरा कर दिया है, यानी फैलाव को कम करके सुकेड़ दिया ताकि गहरा हो जाए। और इसका फायदा यह है कि अब जो ट्रक्स हैं उनके जरिए कार्गो करने की बजाय इनके जरिए कार्गो किया जाता है, इससे बहुत फ्यूल बचता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी ये ज्यादा है। और एक ही जो जहाज होता है इस तरह का कार्गो जहाज, वो बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं वो ले जाता है, और वो ये नीचे साउथ से यानी स्विट्जरलैंड से लेके फ्रांस और फ्रांस से जर्मनी और जर्मनी से हॉलैंड तक इन्हीं के जरिए से जाता है। ये आप देखें कितना बड़ा एक ट्रक सिर्फ एक कंटेनर ले जा सकता। ये दरियाए रायन का किनारा, जिसको पहले मैंने समंदर रायन कहा था, आतिफ भाई ने करेक्ट कराया। और ये जी आतिफ भाई अब हमें सुनाएंगे जबरदस्त सी पोएट्री। शौके वहशत में उम्र हार आए, वसल में हिजर भी गुजार आए, रूह किसकी पहन के आए हो, जिस्म अपना कहां उतार आए, दिल में एक शख्स टूट कर टूटा, वाह 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 वाह, वक्त में बल के बार बार आए। क्या बात है। दिल में एक शख्स टूट कर टूटा, वक्त में बल के बार बार आए, हम कदम हम सफर नहीं होता, क्या बात है, हाथ थामो के एतबार आए। वाह 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 वाह, हम सफर हम कदम नहीं होता, हम कदम हम सफर नहीं होता, हम कदम हम सफर नहीं होता, हाथ थामो के एतबार आए, वसल में हिजर भी गुजारा है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। ये जगह जगह मैं बैठ जाती हूँ, रुक जाती हूँ, आतिफ भाई पूछते भाई क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ सुकून इतना है, इतना पीसफुल है, और ये सफाई का आप देखिए कैसा इंतजाम है, जगह जगह बेंचेस हैं,
लोग बैठते हैं, वॉक भी करते हैं वहाँ, सात लोग जा रहे थे रनिंग करते हुए, वॉक करते हुए, वो अलग ट्रैक है। फिर आप देखिए साइकिल, ये देखिए कितने बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के लोग साइकिल चला रहे हैं, जो कि बड़ा हैरान कन है मेरे लिए। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि शायद 50 के बाद ही इंसान रिटायर हो जाए, यहाँ हम इंतज़ार करते हैं कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म, इसने मर जाना है। यहाँ लोग ज़िंदगी जीते हैं, हमें भी ज़िंदगी जीना है, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मौजूद हूँ, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ 32 लैंग्वेजेस पर काम होता है और वहाँ के बाशिंदे या वहाँ के शहरी जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ताकि इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन आगे लोगों तक जाए। और मज़े की बात आपको बताऊँ, यहाँ पर ये बैन है कि कहीं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर ना बताई जाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, जब जर्मन्स, आज से पिछले वाली जो नस्ल है, उनको 5 लैंग्वेजेस कहा जाता था सीखें, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे लिए। बहुत से लोग 5 लैंग्वेजेस बोलते भी हैं। ये बड़ा अमेजिंग ऑफिस है, जो कि पहले बॉन एक ज़माने में जर्मनी के एक हिस्से का कैपिटल भी रहा है। तो ये जो बिल्डिंग जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, ये दरअसल पार्लियामेंट उस समय का, और इसको बहुत लंबे हाथे पर इसलिए बनाया गया था कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि जंग एक झेली है जर्मनी ने, कि इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए तो तमाम लोग एक साथ इस जहान से ना जाएँ। और ये पीछे देखिए, ये ऑफिस है यूएन का, राइट, यूएन का ऑफिस है, और ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये कार्ड है जिसको स्कैन किया जा रहा है, और उसके बाद ये कॉफी मशीन है जिसमें इतनी सारी किस्मों की कॉफी है। मैं 2008 में आया था, तब ये कॉफी थी 59 सेंट्स की, ओके, और उसके प्लास्टिक का कप होता था, और पिछले साल ये कप कागज़ का कर दिया गया, और अब इसकी कीमत है 61 सेंट्स, सो 2 सेंट 15 साल में इसकी कीमत बढ़ी है। कितनी अमेजिंग बात है ये देखें जी, कॉफ़ी हमारी रेडी है और इसका भी हम पियेंगे। वेरी नाइस। देखिए, सिर्फ कॉफ़ी नहीं है यहाँ पर, आप ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी, ये कॉफ़ी है, बीच में आते भाई भी है। ये क्या है ये मशीन, मुझे ये आते हुए क्या है, ये बॉटल्स वापस करने के लिए। अच्छा, बॉटल्स यहाँ भी वापस करते हैं। यहाँ सैंडविचेस वगैरह हैं जो कि इस वक्त काफ़ी कम हो चुके हैं, पास्ता भी नज़र आ रहा है। दिस इज़ ओके आते भाई, ये मैं दिखा दूँ ज़रा अपने प्यारे पाकिस्तानी को, ये चॉकलेट है, ये मेरी कॉफ़ी आ गई विदाउट शुगर। आते भाई बहुत चीनी पी रहे हैं आप, मोटे हो जाएंगे। और ये फिर से पानी।